हर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला, इन नाटिकाओं की श्रृंखला में प्रस्तुत है दूसरी नाटिका, समाधि मरण कैसे होगा। लगभग आज से 25-30 साल बाद, सन 2050 की आधी रात, आज के 5-10 साल के बच्चों के पापा अब बूढ़े हो चुके हैं, अक्सर बीमार रहते हैं और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आखिरी 24 घंटे का समय बताया है, सुबह के 4 बज चुके हैं। 64 साल के मरणासन्न पापा डेथ बेड में लेटे हैं, उनके दोनों तरफ कुर्सियों में उनका बेटा और उनकी बेटी बैठे हैं। काफी देर से जाग रहे बच्चे अब थक गए हैं, पीछे निरंतर नमोकार मंत्र का रिकॉर्ड चल रहा है। नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम। अरे, यह अचानक लाइट कैसे चली गई? लगता है आज मौसम बहुत खराब होने वाला है। लगता है मेरा समय निकट आ रहा है। कोई समाधि मरण पाठ सुना दो। बहन, मेरे फोन की बैटरी लो है, जल्दी से अपने फोन में गूगल करके ये समाधि मरण क्या होता है चेक करो ना प्लीज। उसका कोई ऑडियो वीडियो है तो देखो। समाधि मरण, भैया यहाँ तो बहुत सारे वीडियोस हैं, इसमें से कौन सा प्ले करूं? बचपन में कभी सुना था शायद इसके बारे में, मुझे अभी कुछ याद नहीं है, कोई भी एक ट्राई कर ले। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाई भाऊ। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाई भाऊ। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाई भाऊ। देहांत के समय में तुम। लो, अब इंटरनेट और मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया, अब क्या करें? मरते बाप को समाधि मरण का पाठ भी नहीं सुना सकते, कैसे नालायक बच्चे हैं मेरे। समाधि मरण ही इतना इंपॉर्टेंट है क्या? 2 टाइम की नर्स लगा रखी है, हफ्ते टू हफ्ते बेस्ट डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाइयाँ, इंजेक्शंस सारा टाइम पे कराते हैं, और क्या चाहिए? पापा, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर हम हाईली एजुकेटेड सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैं तो आपकी वजह से ही तो हैं। सही कहा भैया। पापा, आपने हमें समाधि मरण सिखाया होता या इसकी क्लास लगाई होती तो वह भी हम आपको जरूर सुना देते। दूर होने पर भी कभी कभी ले जाता तो था मैं तुम्हें वीकली पाठशाला में, पर तुम वहां बैठते ही नहीं थे, रोते थे, वहां के बाकी बच्चों के साथ लड़ते थे, कभी कभी कितना एम्बैरेसिंग लगता था। अच्छा, तो स्कूल में तो हम भाई बहन एकदम हंसते हंसते जाते होंगे ना, हमें कैसे पता चलता क्या सही है क्या गलत है, कहाँ रोना है कहाँ नहीं? आपने जोर दिया होता तो स्कूल की तरह हम पाठशाला भी चले जाते। और हमारा स्कूल भी तो कितना दूर था, लेकिन स्कूल बस आने के पहले हमें तैयार करके बराबर भेजते थे। मुझे अभी भी याद है, स्कूल जाने के समय रोज एक चॉकलेट देते थे, कभी लाड़ प्यार से तो कभी कभी भैया को मार भी पड़ती थी, स्कूल तो जाना ही पड़ता था। लेकिन आपका फ्यूचर भी तो जरूरी था। हाँ, लेकिन कितना जरूरी, हफ्ते में 5 दिन 6-6 घंटे बराबर टाइम से स्कूल, और कभी कभी वीकली पाठशाला। पाठशाला से रेगुलर तो हम एक्टिविटी क्लासेस गए होंगे, हम तो वहीं गए जहां आपने हमें भेजा, इसमें हम कैसे नालायक हुए। भैया, भागो जल्दी से, पावर बैंक ले आओ, चेक करो, देखो तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहा है क्या, या समाधि मरण जो भी है, जल्दी से प्ले करते हैं।
पापा एक लंबी सांस लेते हैं और तड़पते हुए मरण को प्राप्त होते हैं। भाई पावर बैंक फोन में छोड़ने और फोन चालू करने की कोशिश में समझ जाता है कि पापा अब नहीं रहे। अच्छे से अच्छे स्कूल भेजने की होड़, हर हफ्ते 3-4 अलग अलग क्लासेस लगाने की जरूरत, यह आज का वास्तव है। और आज से 25-30 साल बाद का वास्तव आपने देखा। समाधि मरण तो आपका है, सोचना आपको है। आखिर समाधि मरण कैसे होगा? लेकिन हमें पाठशाला की तरह पढ़ाना ही नहीं आता। हमारे यहाँ पाठशाला ही नहीं चलती। पाठशाला तो चलती है, लेकिन वो बहुत दूर है। पाठशाला के टाइम ही बच्चों की एक्टिविटी क्लास होती है। पाठशाला में 2-4 ही बच्चे आते हैं। मंदिर में पाठशाला लेने के लिए कोई है ही नहीं। चलती तो है अपनी दिगंबर जैन पाठशाला, लेकिन वो मेरे आचार्य मुनि गुरुदेव आर्यिका पंडित जी विद्वान की प्रेरणा या विचारधारा के हिसाब से नहीं चलती, सो हम नहीं भेज सकते। बच्चे पाठशाला में सीख कर हमारा आलू प्याज रात्रि भोजन बंद कर देंगे तो? ज्यादा पाठशाला सीखेंगे तो आगे उनका करियर कैसे बनेगा? एक वीकेंड ही तो थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, उसमें भी पाठशाला छोड़ना, ले आना, हमें बाकी वीकली काम भी तो हैं। अगले महीने से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसीलिए पाठशाला नहीं भेज सकते। और क्या है हमारे बहाने? पाठशाला की दीदी या भैया को रमोकार मंत्र से शुरू करके आगे सब सिखाना होगा, तो वीकली पाठशाला कितना असर करेगी? बच्चे कितना याद रख पाएंगे? थोड़ा टाइम निकाल कर क्या हम घर में ही अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते? बस 30 मिनट टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक को छोड़ बच्चों की एक एक्टिविटी क्लास कम करके घर में ही अपने बच्चों की पाठशाला नहीं ले सकते? डेफिनेटली ले सकते हैं। घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला, हर मम्मी बने पाठशाला की दीदी, हर पापा बने पाठशाला के भैया।